गुजरात कांग्रेस प्रभारी अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस भले ही चुनाव हार रही हो, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने गुजरात में एकजुट होकर चुनाव लड़ा वो राहुल गांधी के कुशल नेतृत्व को दर्शाता है। और गुजरात कांग्रेस प्रभारी अशोक गहलोत से केएनयू संवाददाता अमित दुबे ने बात की है। गुजरात कांग्रेस प्रभारी अशोक गहलोत हमारे साथ है। सर, जिस तरह से कांग्रेस अपनी रणनीति बनाई थी, आज जो रुझान आए, जो रिजल्ट आए, क्या लगता है उम्मीदों पे खरा उतरे? देखिए, परिणाम जो आ रहे हैं, पर जो कैंपेन हमने किया वहाँ पे, बहुत शानदार कैंपेन किया, जिस रूप में वहाँ कांग्रेस एकजुट रह करके राहुल जी ने बस यात्राएं करी वहाँ पर, मुद्दे आधारित राजनीति हमने करी, उन्होंने नहीं करी है। आगे का प्लान क्या हो गुजरात के लिए हमने बनाया, उन्होंने नहीं बनाया है। जिस पर मैनिफेस्टो लेके आए हम लोग, तो पूरे गुजरात में घूम घूम करके हमारी टीमों ने मछुआरे क्या सोचते हैं, आदिवासी क्या सोचते हैं, दलित क्या सोचता है, व्यापारी क्या सोचता है, प्रोफेशनल क्या सोचते हैं, शिक्षक क्या सोचते हैं, उस प्रकार से हमने ये प्रयास किया। तो बहुत शानदार तरीके से वहाँ कैंपेन चला है, बहुत शानदार तरीके से हम आगे बढ़े हैं। यानी आप मानते हैं कि बीजेपी की नींव हिलाने में कांग्रेस कामयाब रही है, खासतौर पर अगर हम गुजरात की बात करें 2019 में तो इफेक्ट होगा नहीं, 2019 तो अभी आने में टाइम लगेगा, उसके पहले तो राजस्थान आएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका जल्दी आ रहा है, कई चुनाव होंगे पहले भी। पर राहुल गांधी जी ने जो जो वहाँ पर कैंपेन करके एक दिशा दी है कांग्रेस को, और जो कैंपेन करने का तरीका जो नया इजाद किया है, टिकट का बंटवारा जिस प्रकार से वहाँ पर हुआ है, जिस प्रकार इश्यू बेस्ड राजनीति हुई है, जिस प्रकार मैनिफेस्टो बना है, ये मैं समझता हूँ गुजरात में एक बेस बन गया है आगे के लिए कांग्रेस के लिए। उसी रूप में कांग्रेस आगे बढ़ेगी और अपने चुनाव रणनीति बनाएगी। सर, एक समय लगता था कि कांग्रेस गुजरात में सरकार बना सकती है, क्योंकि कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में थी। क्या आप इसके लिए मणिशंकर अय्यर के बयान को भी मानते हैं कि कुछ इफेक्ट उसका भी रहा है? ये चुनाव के बाद में हम बैठेंगे पीसीसी के अंदर, विश्लेषण करेंगे, तब बात कर पाएंगे, अभी कमेंट करने कोई लाभ नहीं है। शुक्रिया। तो ये था अशोक गहलोत, जो साफ तौर पर कह रहे हैं जिस तरह से राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस प्रचार प्रसार कर रही है, उम्मीद है आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस और मजबूत होगी। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज दिल्ली।